नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनवेफ न्यूज। जब आप मार्केट में जाते होंगे पानी की बॉटल लेने, तो आपको तरह तरह की पानी की बॉटल मिलती होगी। वैसे ही जैसे आप जूता खरीदते वक्त एडिडास देखते हैं और फिर एबीबास भी देखते हैं, उसी तरीके से बिस्लेरी मिलती है, बिल्स रेली मिलती है और इसी तरीके से 4-5 नामों से नकली पानी मार्केट में उपलब्ध है, जो कि कहा जाता है कि हानिकारक है। अभी तक तो इन नकली पानी की डिमांड भी मार्केट में खूब थी और धड़ल्ले से बिक रहे थे, क्योंकि आम जनता के हाथ में कहाँ पावर होती है कि वो लड़ने जाए किसी एक बॉटल नकली पानी के लिए। लेकिन जब डीएम साहब के हाथ में नकली पानी की बोतल पहुंच गई, तो फिर इन जालसाजों और धोखेबाजों की शामत आ गई। जी हाँ, पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल बागपत में ये सब कुछ हुआ। डीएम के सामने नकली बिस्लेरी की पानी की बोतल पहुंच गई। डीएम के हाथ में जैसे ही नकली बिस्लेरी की पानी की बोतल आई, वो तुरंत ही बोतल देखकर चौंक गए। उन्होंने दुकान की जानकारी लेने के साथ ही छापेमारी कर हजारों नकली बोतलें जब्त कराई और उस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी कर दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक आईएएस अफसर के पास नकली पानी की बोतल पहुंची और उसके बाद धड़ाधड़ कार्रवाई शुरू हुई और फिर नकली बोतल जहां से आई थी वो उसे पकड़ा गया। उन धोखेबाजों से पूछताछ की गई और उनका इलाज किया गया। बागपत तहसील संपूर्ण समाधान दिवस और हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और एसपी अर्पित विजयवर्गीय जिले की सीमा पर बनी पुलिस चौकी निवाड़ा पहुंचे थे। डीएम के सामने ही बिस्लेरी की बजाय बिस्लेरी पानी की 500 ml बोतल रख दी गई। इस बोतल पर ना खाद्य लाइसेंस नंबर था और ना ही कोई अन्य प्रमाण था। डीएम ने हाथ में लेकर जब उसकी पड़ताल की, तो पता चला कि ये तो नकली बिस्लेरी पानी की बोतल है। उन्होंने तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर पानी की शुद्धता की जांच के आदेश दिए। इसके बाद सहायक खाद्य सुरक्षा विभाग के आयुक्त मानवेंद्र सिंह ने पुलिस चौकी प्रभारी निवाड़ा से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि पानी की बोतल गौरीपुर की एक दुकान से खरीदा गया और फिर इसके बाद दुकानदार से संपर्क किया गया और खाद्य सुरक्षा विभाग ने जानकारी इकट्ठा करने के बाद फिर लाइसेंस रद्द किया भीम सिंह का। भीम सिंह बिना लाइसेंस के घर में ही पानी की बोतलों का गोदाम बनाकर जिले के इलाकों में नकली ब्रांड की सप्लाई कर रहा था और जब उस पर कार्रवाई की गई तो 2663 पानी की बोतलों को जब्त करके नष्ट कराया गया। सैंपल को लेकर जांच के लिए लैब भी भेज दिया गया। गोदाम का लाइसेंस ना होने पर चालान किया गया, साथ ही गोदाम को बंद कर दिया गया है। तो एक नकली पानी की बोतल डीएम साहब के पास पहुंचती है और डीएम साहब, आप जानते हैं कि अच्छे खासे पावरफुल होते हैं, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और पानी की बोतलों की जांच करवाई, पानी की जांच करवाई और फिर लाइसेंस रद्द कर दिया और गोदाम भी बंद कर दिया। इसके बाद डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने पूरी जानकारी भी दी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है और बागपत से हमारे संवाददाता विश्वजीत सिंह ने ये रिपोर्ट भेजी है। तो डीएम साहब ने इस पूरी कार्रवाई पर और नकली पानी पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। डीएम साहब, पानी का प्लांट जो है वो आप किस तरह से पकड़ा गया है, ये कैसे आप पकड़ में आया है? हाँ, ये वाला विषय जो लेटेस्ट है, इसमें एक जगह हम लोग मीटिंग में थे हरियाणा बॉर्डर पे, तो वहाँ पर एक पानी की बोतल जो सामने आई, उसमें बिस्लेरी जो एक बहुत पुराना ब्रांड है भारत का, तो उसकी स्पेलिंग वगैरह में कुछ मिस्टेक्स थी। फिर उसको ध्यान से देखा गया तो उसमें FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए जो मस्ट है, परंतु वो उस पर नहीं था। और उसके क्रम में फिर उसको और वेरीफाई किया गया तो पता चला कुछ दुकानों पर इस प्रकार से जो एक प्रकार से फेक ब्रांडिंग का विषय है, उसमें कुछ बोतलें हम आइडेंटिफाई करी और फिर हमारी टीम ने कल ही काम किया और करीब 2600 बोतलें कल ही हम लोगों ने डिस्ट्रॉय भी कराई। सर, ये कहाँ कहाँ पे मतलब बेची जा रही है, क्षेत्र में काफ़ी जगह है? ये जहाँ जहाँ कोई खबरें मिलती हैं, चूँकि ये एक प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, तो उन लोगों को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने जहाँ पे उनके ब्रांड्स में कोई इश्यूज आए तो हम लोगों को भी संपर्क करें, परंतु उनकी ओर से तो कोई अभी मैसेज नहीं आया था। परंतु हमारे ऑफिसर्स के अलर्टनेस से और विशेष रूप से मेरे द्वारा भी देखा गया तो उसमें ये पाया गया और उसके क्रम में कई जगह हम लोगों ने सत्यापन किया। इससे पूर्व सितंबर माह में भी हम लोगों ने एक बार एक जगह ये सब सर्व हुआ पानी की बोतल, तो ये पाया गया कि वो स्पूरियस है और उसके क्रम में पानी का सैंपल भी लिया गया। जो यहाँ पर एक छोटी सी यूनिट पानी बना रही थी चनौली गाँव में बागपत में, उसको सील कर दिया गया, वो सील अभी लगी हुई है। उसके अलावा आवश्यकता ये है कि इसमें जो उपभोक्ता है वो भी जागरूक हों कि जब वो पानी की बोतल खरीदते हैं तो देख लें कि उसकी स्पेलिंग वगैरह क्या है,
क्योंकि तो बड़ी बड़ी कंपनियों के तो विज्ञापन वैसे भी फील्ड में होते हैं, सब लोगों से परिचित होते हैं। तो मुझे अपनी उपभोक्ताओं से भी आग्रह करना है कि जब वो पानी की बोतल खरीदें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लें, एक्सपायरी डेट देख लें, ये देख लें कि FSSAI का लाइसेंस वगैरह है कि नहीं है। अन्यथा की दशा में अगर कोई खराब क्वालिटी का सामान होगा तो हम उन्हें पनिश जरूर करेंगे, लेकिन इससे उपभोक्ताओं को भी नुकसान हो सकता है। चूंकि जनपद में दो प्लांट पकड़े गए हैं तो क्या इस संबंध में आप जांच करा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बात इंपॉर्टेंट है कि एक जो प्लांट पहले था वो हम लोगों ने पकड़ा था, और कल जो एक हमारा एक डीलर है उसको हम लोगों ने पकड़ा। डीलर ने भी बताया कि कुछ हरियाणा राज्य से भी कुछ बोतलें आती हैं, जो रैपर्स हैं उन बॉटल्स पर लग रहे हैं, जो फेक रैपर्स हैं बिस्लरी ब्रांड से, वो भी अंतर्राज्यीय जगहों से भी कुछ ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसमें वेरीफाई किया जा रहा है। और हमारे जो खाद्य सुरक्षा के अधिकारी हैं उन्होंने बिस्लरी की कंपनी के अधिकारियों को भी सूचित किया है, पहले भी सूचित किया था और पुनः सूचित किया है कि साहब आपके ब्रांड का मिसयूज़ हो रहा है, तो उनके स्तर से भी कुछ कार्रवाई अपेक्षित है। मुझे आशा है कि बिस्लरी कंपनी के जो अधिकारी हैं वो भी इसका संज्ञान लेंगे और इसमें वाकई कार्रवाई करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेगा। सर, क्षेत्र में और भी जगह छापेमारी की जाएगी दुकानों पे, क्योंकि अभी भी अवेलेबल सर? बिल्कुल, ये बार बार खबरें आ रही हैं, तो हम लोग अपने जो फूड सेफ्टी ऑफिसर, हमारा एक विंग है, उनको मैंने निर्देश दिए हैं कि आज भी अभियान चलाएं और जहां जहां ऐसा हो रहा है उसको रोकें। और उसके अलावा जो कंपनियां हैं उन लोगों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन कैसी भी आए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कप्तान साहब को संपर्क करें, एंड वी विल मेक श्योर कि जनपद में जो क्वालिटी का सामान होगा वही बिके। अगेन उपभोक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि कोई भी सामान जो खान पान से संबंधित है उसको देख लें कि वो FSSAI जो फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका लाइसेंस उसका है कि नहीं है। पानी की बोतल अगर किसी अच्छी कंपनी की भी है और अगर एक्सपायर हो चुकी है तो वो भी नहीं बिकनी चाहिए। इन सारी चीज़ों में उपभोक्ताओं की जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।